खबर संगरूर तो सामने आ रही है। तुहानू दस दिए कि मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान ने मस्तुआना साहब विच 25 एकड़ च बनन जा रहे मैडिकल कॉलेज का नींह पत्थर रखिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साडा सुपना है कि हर गरीब परिवार का बच्चा जिहड़ा है वह डॉक्टर बने अते साडे बच्चे मैडिकल करन लई यूक्रेन क्यों जान। असी उन्हां लई अजिहियां सहूलतां जिहड़ियां ने ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬਜਟ 345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 75 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਣ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ योजना का भी नींह पत्थर रखेंगे। देखते हैं एक खास खबर। तो यह काम चल पाया 31 मार्च 2023 तक कंप्लीट हो जाऊगा। अप्रैल के पहले हफ्ते 75 MBBS दी सीटा नाल इतने पढ़ाई शुरू हो जू फस्ट बैच नाल स्पोर्ट्स कंपलैक्स है नाल होस्टल है 7 स्टोरी 7 मंजिलों का ही जिहड़ा कॉलेज है ते नाल एक हॉस्पिटल बन रहा ते अगली बार फिर 150 सीटा ते जावांगे। शहर का जिहड़ा सिविल हॉस्पिटल है उन्हूं भी अपग्रेड क्योंकि उहदी शर्त है कि जे मैडिकल कॉलेज होना चाहिए तो नाल उत्थे जिहड़े पर्टिकुलर एक शर्त है कि घट तो घट इन्ने बैड का हॉस्पिटल भी उत्थे होना चाहिए। सो संगरूर के सिविल हस्पताल में असीं अपडेट करांगे। तो अज इहदा उद्घाटन होया तो अप्रैल के पहले हफ्ते चल पूरे। सर वन महाउत्सव बना रहे हो लोगों को भी अपील करोगे तो जिस तरह जंगल टाइप तुम एक शुरू किया गया भी उस तरह एनवायरमेंट को बचाया जा सके। देखो करोना वेले असी ऑक्सीजन लभते फिरते सी करोना वेले असी किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लभते फिरते सी ते जे जिहड़े ऑक्सीजन सानू दिंदे ने दरख्त जे असी उन्हां नू ला लीए तो सानू सिलेंडरां की लोड़ नहीं पैनी। दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड नू खिंचदे ने ऑक्सीजन नू छड्डदे ने। सो असी इस गल लई अपील करांगे पंजाब दे लोकां नू कि वध तो वध बूटे लाओ वध तो वध फलदार बूटे लाओ दरख्त लाओ ताकि पंजाब जिहड़ा हरा भरा पंजाब जिहनूं कहिंदे सीगे उह लगे ना कि रोडा पोडा पंजाब। सो इस करके अज बण महा उत्सव ते मैं भी धूरी दे विच एक प्रोजैक्ट नूं जिहड़ा उहदा उद्घाटन करांगा। सर फलास्ट जिहड़ा रोशन वाले कॉलेज आ जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਰੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ PGI ਰੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਹੋਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 9 ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, 25 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਯੂਕਰੇਨ ਹਜੇ ਮਤਲਬ 25-26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਕੰਟਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? 99.7 99.8 ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਉਸੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ 'ਤੇ 25-30 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀਏ। ਅੱਜ ਜੂਇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੈਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕੀਮ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਫਾਫੇ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, 80-90% ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਥੈਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ
कोई मेरे किसी चाचे के मुंडे की कोई थैले बनाने की कंपनी तो है नहीं कि मैं जरूरी करते, ठीक है ना। सो ये तो अपने एनवायरमेंट वास्ते वातावरण वास्ते जरूरी है। सुखदेव सिंह ढींसे ढींसा जी कह रहे थे भी मैं राजनीति छड़ दूंगा, बना नहीं सकते मेडिकल कॉलेज। नहीं हूँ की छड़ देंगे, राजनीति करते ने लोगों ने छड़ा तो दी। पहला तो मैं संगरूर के सारे इलाके के जिले के लोगों को जी मुबारकबाद दिनी है कि अज जो पहला मेडिकल कॉलेज है जोड़ा वो संगरूर मस्तौना साहब की जी धरती से जोड़ा जिन्हों का जमान साहब ने जोड़ा नींह पत्थर रखे। और सीएम साहब का भी धन्यवाद कर दी है कि उन्होंने ये संगरूर के लोगों को जोड़ा तोहफा दिता। और इस साल जो अप्रैल अगले साल जो क्लासा ने जोड़ा बैच है पहला शुरू हो जाना। सो इस तहत मौसम है हूँ जो अजकल जो बूटा बूटे ला रहे अज जो 72वां जो वन महोत्सव जो धूरी के जो मनाया गया जिन्हों सीएम साहब साढ़े जोड़े इतने पहुँच के उन्होंने इनू मनाया और लोगों को जोड़ा वातावरण साफ सुथरा रखने लिए वो जो बूटे ने जोड़ा हरिया भरिया पंजाब बनाने के लिए जी अब कोशिश की। सिंगल टाइम जो प्लास्टिक है बैन किया पर कहा गया कि सख्ताई नहीं की जाएगी, अगर सख्ताई नहीं होगी फिर वो बैन किवें होगा? नहीं सख्ताई नहीं क्योंकि अवेयरनैस की जी ज़्यादा जरूरत है और यदा जोड़ा अल्टर जो लोगों देना जो पहल के आधार पर जो चीज़ा जरूरी ने। सो जो लोग भी इस चीज़ तो खफा ने। अज मैं जो संगरूर शहर की गल करा भवानीगढ़ की गल करा तो सीवरेज हर जगह ब्लॉक ने, दिन रात मशीन चल रही ने, सुपर शक्स मशीन भी जो देखते हैं तो बच्चों जो गंदगी जी लिफाफे जो पॉलीथिन जो निकल रहा। सो कितने कितने जो समस्यावान ने जिड़िया आपस के जो कोरलेट होकर जो सीवरेज जो ब्लॉक होंगे। सो वैसे भी वातावरण के लिए साढ़े पिंडा एक असी पशु रखते हैं तो रूड़ी की खाद होंगी है, साढ़े बजुर्ग सानू जे कोई रूड़ी जी रूड़िया के उत्ते जो कोई पॉलीथिन चलिया जाता सी झिड़कते होंगे सी तो पहला जी अवेयरनैस सी एकदम जो प्लास्टिक का जो रुझान वध्या तो लोग जोड़े उन्होंने चीज़ों जो ध्यान ना रखते हो कि वातावरण के नुकसान रहेंगे। सो उन्होंने अवेयरनैस की जरूरत है और जो प्लास्टिक का जो अल्टर देने की जरूरत है वो चीज़ा पूरी करके असं लोग जो अपने आप जो सहयोग दें। देखो जो पंजाब की वैसे पूरे देश में सब तो बड़ी समस्या आ रही है ना यह प्लास्टिक की समस्या बहुत बड़ी हो रही है क्योंकि जिहड़ा सिंगल यूज प्लास्टिक है तो होर प्लास्टिक के कैरी बैग ने यह वातावरण के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। तो यह ना तो प्लास्टिक गलदा है, यह प्लास्टिक आने वाले समय के सारे पंजाब नूं बंजर बना देगा। सो सरदार भगवंत सिंह जी मान मुख्यमंत्री साहब ने उपराला किया कि अज वन महोत्सव के तौर पर राज पद्धर का समारोह इत्थे कीता ते नाल लोगों नूं जागरूक किया कि असी प्लास्टिक तो मुक्त होइए। प्लास्टिक मुक्त जिहड़ियां भी चीज़ां ने सारिया चीज़ों के बदल ने। असी प्लास्टिक के थैले पहला घरों लेके चलते सी, लोग उस वल आउण, होर बहुत इस तरह के प्रोडक्ट आ गए कि जिहड़े गलदे भी ने ते इन्हां चीज़ों की मतलब इन्हां चीज़ों का अल्टरनेटिव ने, विकल्प ने इन्हां चीज़ों का। सो प्लास्टिक तो परहेज करन दी जिहड़ी अज सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री साहब ने लोगों को प्रेरिया तो लोग हुण खुद भी इस पासे वल चले ने क्योंकि मान साहब रोल मॉडल ने, लोग इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, उन्हां दी गल ते अमल करेंगे ते इह आपां आउण वाले समय दे विच पंजाब नूं पूर्ण तौर पर प्लास्टिक मुक्त जिहड़ा करना है इस मान सरकार का तहिया कीता, मान सरकार का यह फैसला। तो दूजा जो सब तो वड्डी गल जिहड़ी कीती है सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री साहब ने कि संत अतर सिंह जिहड़े एक बहुत बड़े पढ़ाई दे मसले दे इस तरह से कि पढ़ाई होनी चाहिए है बच्चों की, उन्हां दे नां ते मेडिकल कॉलेज ते हॉस्पिटल जिहड़ा जिले संगरूर दे लई एक बहुत बड़े फखर ते मान की गल है ते बहुत बड़ी जरूरत भी सी, अज उहदा नींह पत्थर मुख्यमंत्री साहब ने धरिया ते नाल कल्ला नींह पत्थर नहीं धरिया नाल 31 मार्च 2023 तक यह हॉस्पिटल बन के तैयार हो के लोगों की सेवा दे लई आ जाना है। तो 70 सीटा इत्थे MBBS दियां 70 सीटा इत्थे MBBS दियां शुरू होणगियां, बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करनगे। सो एक बहुत बड़ा इतिहासक फैसला तो इतिहासक कदम है सरदार भगवंत सिंह मान का कह सकदा ते मैं उन्हां नूं इस गल दे लई बहुत बधाई दिंदा ते समुचे लहरे अपना हल्के समुचे डिस्ट्रिक्ट संगरूर नूं इस चीज़ की बधाई दिंदा कि एड्डा वड्डा जिहड़ा हॉस्पिटल ते मेडिकल कॉलेज इत्थे बनन जा रहा है। संगरूर तो गुलजार मल्ली दी खबर। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज जिमें गठिया सर्वाइकल माइग्रेन अते शरीर विच किसी भी किस्म दी दर्द क्यों ना हुंदी होवे
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਓਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ ਵੇਟ ਲੂਸ, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087।